राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बैसाख मास महात्म की कथा का छठा अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, पूर्ण विश्वास के साथ बैसाख मास महात्म की कथा को सुने। बंधुओं, बैसाख मास में स्नान करने वाले के जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं और साथ ही उन्हें अनंत कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भी बैसाख मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान कर लेता है, भगवान श्री हरि उन पर प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी कर देते हैं। बंधुओं, बैसाख मास आने का तो हर मनुष्य इंतजार करता है कि कब बैसाख मास आएगा और हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करेंगे और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करेंगे। बंधुओं, यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। नारद जी कहते हैं, हम एक ब्राह्मण और छिपली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा ना करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ भूमि स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने ना किया हो, परंतु उसने कभी बैसाख मास में जलदान नहीं की। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले लंगड़े अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी तत्वज्ञानी ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ अनपढ़ लूले लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है, यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि भोगनी पड़ी, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर 1 राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुति कीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए। एक समय शुकदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देवयोग से उस जल की एक बूंद पड़ते ही उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया। हाय हाय कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, तू कौन है, क्यों इतना विलाप करता है, तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ, मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ किए, बहुत से कुएं तालाब बावड़ी बनवाई, अनेकों दान किए, धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग ना मिला, 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आया और मेरे अनेकों पाप नाश हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ, अब आप कृपा करके कहिए मेरी दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा
सब कुछ जान लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी बुरी होने का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो, तुमने भगवान के प्यारे बैसाख मास में कभी जल दान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया, यह तो बिना मूल्य ही मिलता है। धूप मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जल दान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता। परंतु महात्मा के दर्शन मात्र से ही पवित्र हो जाता है। तुमने तो जल का दान नहीं दिया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो बैसाख मास में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के बैसाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़ परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्थ्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।